हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की पूरी। ये हमने एक कटोरी आटा लिया है। ये हम थोड़ी सी इसमें मैदा डालेंगे, ये हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे, ये आधा चम्मच नमक डालेंगे, ये थोड़ी सी मेथी डालेंगे, ये थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, ये थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे कुटी हुई लाल। अब इन सबको हम मिलाएंगे। आटा हम गूंदने जा रहे हैं। इसमें हम ये एक चम्मच तेल डालेंगे। अब आटे को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। ये देखिए, हम अच्छी तरह इसको मिला रहे हैं। अब इसको हम गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए, थोड़ा 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 और डालेंगे हम। ये देखिए, हम आटे को मिला रहे हैं। ये हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसको भी हम मिला लेते हैं। अब इसको हम गूंदते हैं। इसको ज्यादा मोड़ना नहीं है, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। हम इसी तरीके से उठा उठा के इसको गूंदते रहेंगे। ये देखिए, हम इसी तरीके से गूंदेंगे, ज्यादा इसको मोड़ना नहीं है। हल्का सा हम इसमें पानी लगाएंगे। ये देखिए, आटा हमारा कितना बढ़िया गूंद गया है। ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इतना बढ़िया गूंद चुका है ये। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए, ये देखिए, इस पे हम ये हल्का सा तेल लगा के रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम पूरी बनाएंगे। इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए, हमने आटे को ढक दिया। 5 मिनट के बाद हम पूरी बनाएंगे। इतने हम तेल अपना कढ़ाई में डाल के गैस पे रख देते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, हम इसके पेड़े बना रहे हैं, ये छोटे छोटे। ये देखिए, हम इस तरीके से पेड़े बनाएंगे, हल्का हल्का तेल लगा के। इतने हम पेड़े बना रहे हैं। तेल को हमने गरम करने रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। ये इस तरीके से बनाने हैं। हम सब इसी तरीके से बना लेंगे, हल्का हल्का तेल लगा के। ये सब हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, पेड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने तेल लगा दिया है। तेल भी ज्यादा नहीं लगाना, हल्का सा लगाना है। ये देखिए, फिर से हम इसी तरीके से बेल रहे हैं। ये हम दूसरी भी इसी तरीके से बेलेंगे। ये थोड़ी बहुत हाथ से आप इकसार कर सकते हैं, इनको ज्यादा बड़ा नहीं, छोटी छोटी बेलनी है। फिर से हम थोड़ा तेल लगाएंगे। ये देखिए, ये बेल चुकी है। आपको याद रखना है कि इसे तेल से ही बेलनी है। देखिए, बिल चुकी। अब हम सेकते हैं इनको। गैस हमने इतने स्लो कर दिया था, अब हम इसको फुल आंच पे कर देंगे। ये देखिए, पूरी हम डाल रहे हैं। इसको हल्के हल्के इसी तरीके से। इसको पलट देना है। ये देखिए, हम फिर से पूरी अपनी इसी तरीके से सेकेंगे। कोयले से हल्के हल्के ही दबाना है। अब इसको पलट देना है। आँच हमें, गैस हमें फुल आँच पे कर देना है। दूसरी भी हमें ये इसी तरीके से सेकेंगे। सब पूरी हम अपनी इसी तरीके से सेक लेते हैं। इतनी फूली फूली आ रही है ये। ये देखिए, पूरी हमारी ये भी सीख चुकी। ये देखिए, हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको आलू के भुरते के साथ, लाल मिर्चों की चटनी के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमारी पूरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।